आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव। आप देख रहे हैं आपका चैनल न्यूज। आज धर्मपुर चौक में केंद्र सरकार द्वारा अमृत काल बजट को लेकर युवा कांग्रेस कसौली इकाई के अध्यक्ष अमरदीप कौशल की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के प्रति रोष प्रदर्शन किया गया। प्रस्तुत है इसकी एक झलक। तो ये आज का जो हमारा ये प्रदर्शन था यूथ कांग्रेस के सौली का, ये प्रदर्शन हमारा जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है इस बजट के खिलाफ जो हमारा ये प्रदर्शन था, क्योंकि इसमें ना तो युवाओं की रोजगार की कोई बात रखी गई है, ना ही कोई इसमें महंगाई को कम करने का कोई प्रावधान बताया गया है, ना ही इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से युवाओं को जो है आने वाली समय में ये सरकार रोजगार देगी, केंद्र सरकार रोजगार देगी। इसके अलावा जो केंद्र सरकार ने 51,000 करोड़ की सरकारी संपत्तियों को बेच के धन चटाने का कार्य वो इस बजट सत्र में करेंगी, तो ये युवाओं का एक रोष प्रदर्शन था, यूथ कांग्रेस का एक रोष प्रदर्शन था। हमारे आदरणीय जो प्रदेशाध्यक्ष निगम भंडारी जी, उनके द्वारा ये कॉल आज करी गई थी कि आज पूरे हिमाचल के अंदर ये प्रदर्शन किया जाएगा यूथ कांग्रेस की तरफ से, कि जो युवाओं की अवहेलना ये भाजपा की युवा विरोधी जो सरकार है ये कर रही है, इसके प्रति एक हर विधानसभा में आज यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन रखा गया है, जिसको आज युवा कांग्रेस कसौली की टीम ने एक संपूर्ण अच्छे तरीके से इसको संपन्न किया है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, आने वाले समय में जैसे भी दिशा निर्देश हमें ऊपर से रहेंगे, हमारे शीर्ष नेतृत्व से रहेंगे, वैसे हम युवाओं की आवाज को उठाएंगे और केंद्र सरकार से हम उन्हें एक होश में लाना चाहते हैं कि जो ये केंद्र की सरकार है, युवाओं के नाम पे ये सरकार बनी थी, युवाओं के नाम पे इन्होंने वोट मांगा था, आज ये युवाओं के बात करने से भी परहेज कर रहे हैं। और आज इन्होंने तो नौकरियों तक का जिक्र तक नहीं करा है, रोजगार का जिक्र नहीं किया है, महंगाई को कम करने का जिक्र नहीं किया है, साथ में 51,000 करोड़ की संपत्तियां बेच रहे हैं। तो कहां से ये जो भाजपा की सरकार है, कहां से युवा वर्ग इनको अब आने वाले समय में यहां पे इनका सपोर्ट और वोट करेगा। आने वाले 2024 के जो विधान हमारे लोकसभा के चुनाव रहेंगे, हिमाचल की ये जो जनता है, ये हमें पूरा आश्वासन है ये कि चारों सीटें इस बार जो लोकसभा की रहेंगी वो कांग्रेस की झोली में जाएंगी। जिस प्रकार हमने ये विधानसभा का जो महाभारत ये जीता है, इसी प्रकार जो भाजपा की जन विरोधी नीतियां हैं इनको हम जन जन तक पहुंचा के 2024 में हमारे जो लोकसभा के जो चुनाव रहेंगे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम वो चारों सीटें जीतेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। अरे स्वाइन की बात, जब बात, जब बात।